फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज मैं लेकर आप लोगों को चलती हूँ कहीं आज अलग जगह, और आप लोगों ने सोचा भी नहीं था कि आज मैं कहाँ लेकर आप लोगों को चलूँगी। चलिए आज मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ इंडी स्टूडियो, फिल्म सिटी इंडी स्टूडियो करजत। मेन गेट वर परत एकदा गर्दी करू नका, प्लीज 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 यार। तुम्हारे हिया का बा, हमरे हिया बा एनडी स्टूडियो। आज हम आपको लेकर चलते हैं एनडी स्टूडियो में। मुझे पूरा देखने में करीब 4 घंटे लग गए। महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र की संस्कृति और गौरव गाथा को सुनने समझने का अवसर मुझे आज इसके माध्यम से मिला, तो चलिए आपसे साझा करती हूँ और नज़ारे यहाँ के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मुख्यतः फिल्म सिटी गोरेगांव, आरके स्टूडियो चेंबूर, जो कि अब बंद हो चुका है, और तीसरा एनडी स्टूडियो करजत। यहाँ पिक्चरों तथा सीरियलों को बनाया जाता है। सारे एक्टर और एक्ट्रेस आते हैं, सेट अंदर तैयार लगे हुए रहते हैं, शूटिंग होती है, एडिटिंग होती है, पर्दे पर रिलीज होती है, और हम लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो और हर रोज़ अपने घरों में बैठकर इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर एनडी स्टूडियो का गेट है, ये सामने दिख रहा है। चलिए अब हम लोग इसके अंदर एंट्री करते हैं, जो कि ये एनडी स्टूडियो 52 एकड़ में बनाया गया है और ये 2005 में बनवाया गया है। Thank you.
और बहुत कुछ आज आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए पीछे, चलिए हमारे साथ आप लोग रुक करिए। ये जो पिक्चरों की झांकियां जो आप देख रहे हैं और बड़ी अच्छी तरीके से सजाई गई है और संकलित की गई है, और पिक्चरों के इतिहास को ये झांकियां दर्शाता है और यादें ताज़ा हो जाती हैं। जैसे कि आप नाम पढ़ सकते हैं पिक्चरों के, यहां पर सारे पिक्चरों के नाम लिखे हुए हैं। Oh,
देखा नहीं, ये पोजर ऐसा ही है। प्राइस है टोकरी की 800 800 800। हाँ। साइकिल वाला 40 का एक, ये सब साइकिल 100 रुपये, ये 50 के दो। चलो आ जाओ इधर का तो ले लिया। अब हम लोग पहुंच चुके हैं फैशन स्ट्रीट वाले रास्ते पर। ये रास्ता सीधे स्ट्रीट फैशन स्ट्रीट की तरफ जा रहा है। अब आप लोग भी चलिए। स्टार प्रवाह चैनल आमचे जी मराठी असेल किंवा हे स्टार प्रवाह असेल, संध्याकाळी 7 वाजले की आपल्याला कल्पना असते घरामध्ये दिवा लावल्यानंतर आम्ही लगेचच टीव्ही ऑन करतो, आणि टीव्ही ऑन केल्यानंतर पहिल्यांदा 7:45 रंग माझा वेगळा, आणि लगेचच लागोपाठ मुलगी झाली हो, आणि त्याच्या पाठोपाठ लगेचच सुख म्हणजे नक्की काय असतं। पण मला वाटतं सुख म्हणजे नक्की काय असतं हे तुम्हाला आज आमच्या स्टुडिओमध्ये येऊन नक्की समजेल की सुखाची व्याख्या काय आहे, सुख कशात दडलेलं आहे। आमच्या महाराष्ट्राची संस्कृती परंपरा इतिहास खरं तर रायगडावरती गेल्यानंतर मात्र 4 पावलंवरती गेल्यानंतर आपल्याला थोडासा त्रास होईल, पण जेव्हा रायगडावरती जाल तेव्हा महाराजांचं नाव जर घेतलं तर नक्कीच रायगडावरती जाण्याची ऊर्जा आपल्याला मिळेल। अशा या महाराजांच्या चरणावरती नतमस्तक होताना आपण मात्र चपला काढून मात्र महाराजांचं दर्शन घ्यावं, त्यांच्याबरोबर फोटो काढावेत अशी माझी अपेक्षा आहे आणि आपल्या सर्वांना विनंती आहे। बाजूला 1-2-3 स्टॉल आहेत, पलीकडे सुद्धा स्टॉल्स आहेत। आपण समोर बघतोय रुद्र आर्ट्स म्हणून एक स्टॉल आहे, त्या ठिकाणी 350 वर्षापूर्वीचा इतिहास आपल्याला जागृत झालेला दिसेल। महाराजांचे काही शस्त्र त्या ठिकाणी आहेत,
आमच्या शस्त्रांचं प्रदर्शन आहे. समोरच गेल्यानंतर आपल्याला रुद्र आर्ट्समध्ये बघायला मिळेल. मुलांना नक्कीच दाखवा. आणि समोर आपण काही बसलेले ताम्रकला अर्थात तांब्याच्या पत्र्यापासून काही बनवलेल्या वस्तू आहेत. तांब्याचं महत्त्व काय नेमकं आहे? आज स्टीलची भांडी निर्माण झालेली आहेत, यूज अँड थ्रो आपण वापरतो, पण तांब्याच्या भांड्यामध्ये एखादी वस्तू जर ठेवली त्यावेळेला मी आतमध्ये होतो आणि बाहेर माझी लहान मुलं जेव्हा आपल्या पप्पांना सांगायचे की दादा पप्पा आमच्या या स्टुडिओमध्ये मला जायचं आहे, तेव्हा वाईट वाटायचं की स्टुडिओमध्ये माझ्या लहान या मुलांना काय येऊ देत नाही. पण आज मात्र नक्कीच आपल्या लहान मुलांना या स्टुडिओचा आनंद घेण्याचे जाओ जाओ अरे कोई उसका ही है, स्पोर्ट्स का ही है, स्पोर्ट्स का ही है. ठीक है निकाल दो. आगे तो नहीं जाओगे ना किसी के पास? नहीं नंदनी लोग देखो
चुके हैं शीश महल के पास। यहाँ पर सामने जितना कांच का बाहर से दिख रहा है और ये सामने पूरा कांच लगा हुआ है, तो इसे शीश महल बोलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मेरा और आप लोगों का इंडी स्टूडियो का सफ़र यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ है, अभी हम लोगों का सफ़र इसके आगे भी चलना है। और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, सेकंड पार्ट की वीडियो मैं कल आप लोगों से शेयर करूँगी।